Swayam Prabha Digital India Educated India Namaskar मैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह सहायक प्राध्यापक विधि एवं शासन पी दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया पाठ्यक्रम का शीर्षक है श्रम एवं औद्योगिक विधि भाग वन और इस पाठ्यक्रम में आज हम पाँचवें व्याख्यान को लेकर के उपस्थित हुए हैं जिसका शीर्षक है औद्योगिक विवाद का अर्थ एवं प्रकृति भाग टू इस व्याख्यान का उद्देश्य है औद्योगिक विवादों की उत्पत्ति को समझना पिछले व्याख्यान में हमने औद्योगिक विवाद के पक्षकारों को उसके विषय वस्तु को समझा था और उसके बा, उसके बाद साथ साथ ही आज हम इस व्याख्यान में सर्वप्रथम औद्योगिक विवादों की उत्पत्ति को समझने का प्रयास करेंगे तत्पश्चात हम आगे बढ़ेंगे इस व्याख्यान का उद्देश्य यह भी है कि औद्योगिक विवादों की उत्पत्ति पर न्यायालय का क्या दृष्टिकोण रहा हुआ है कैसे न्यायालय ने समय समय पर औद्योगिक विवाद की उत्पत्ति की अवधारणा को विकसित किया है और निर्धारित किया है यह भी हम देखेंगे इसके साथ ही साथ व्यक्तिगत विवाद और औद्योगिक विवाद के बीच अंतर को समझने का प्रयास किया जाएगा क्या हर विवाद एक औद्योगिक विवाद है क्या कुछ ऐसे विवाद भी होते हैं जिन्हें हम केवल व्यक्तिगत विवाद मानेंगे और वो औद्योगिक विवाद की परिधि में नहीं आएंगे इस बात को हम यहाँ पर समझेंगे साथ ही साथ जो व्यक्तिगत विवाद हैं उन व्यक्तिगत विवादों को विनियमित करने के लिए या फिर उन्हें संरक्षित करने के लिए क्या उपबंध हमारे विधि में किए गए हैं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस सौ है इसके साथ ही साथ हम इस इस व्याख्यान में उद्योग शब्द की परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे जो माना जाता है कि इस पूरे औद्योगिक विधि में एक सबसे कंट्रोवर्शियल विषय वस्तु है क्योंकि जब तक हम उद्योग शब्द का परिभाषा निर्धारित नहीं करेंगे इसके स्कोप इसकी सीमा इसकी परिधि को निर्धारित नहीं करेंगे तब तक हम कौन से विवाद औद्योगिक विवाद हैं कौन से विवाद औद्योगिक विवाद नहीं हैं कौन से विवाद केवल व्यक्तिगत विवाद हैं यह कह पाने में सक्षम नहीं होंगे इसी संदर्भ में उद्योग शब्द की परिभाषा का जो न्यायालय के द्वारा समय समय पर अर्थान्वयन किया गया है और जो परीक्षण अपनाए गए हैं लेटडाउन किए गए हैं उसकी भी चर्चा हम इस व्याख्यान में करेंगे इसके पश्चात हम यह भी देखेंगे कि कैसे औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के द्वारा उद्योग शब्द की परिभाषा में परिवर्तन किए जा रहे हैं और कैसे यह परिभाषा न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों के अधीन है और उस निर्णयों को अपने अंदर समाहित करता है औद्योगिक विवादों की उत्पत्ति जब हम औद्योगिक विवाद शब्द को परिभाषित करते हैं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस की धारा टू क में परिभाषित किया गया है जब हम इसको परिभाषित करते हैं तो इस परिभाषा के अंतिम वाक्य में एक शब्द लिखा हुआ है एक अभिव्यक्ति है जिसे कहते हैं किसी भी व्यक्ति क्या किसी भी व्यक्ति के रोजगार उसके गैर रोजगार उसकी सेवा की शर्तों या श्रम की शर्तों से जुड़ा हुआ विवाद एक औद्योगिक विवाद होगा किसी भी व्यक्ति का एक एक निर्वचन क्या होना चाहिए किसी भी व्यक्ति शब्द का उपयोग इस परिभाषा में किया गया है और समय समय पर यह अभिव्यक्ति न्यायालयों के लिए प्राधिकारियों के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करती रही है माना यह जाता है कि जब हम इस इस शब्द का किसी भी व्यक्ति शब्द का एक एक प्राकृतिक अर्थ लेते हैं तो अपने प्राकृतिक अर्थ में किसी भी व्यक्ति से तात्पर्य एक कृत्रिम व्यक्ति और एक नैसर्गिक व्यक्ति से है लेकिन यह कदापि भी उचित नहीं होगा कि हम औद्योगिक विवाद या फिर उद्योग की परिभाषा के अंतर्गत गैर कृत्रिम या फिर गैर प्राकृतिक या कृत्रिम व्यक्ति को भी शामिल करें तो यह एक प्राकृतिक अर्थान्वयन अपने आप में उचित नहीं है पूर्ण नहीं है दूसरी तरफ अगर हम संकीर्ण रूप से इस इस शब्द को परिभाषित करें व्याख्या करें तो अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति की तुलना केवल एक कर्मकार से की जा सकती है किसी भी व्यक्ति अभिव्यक्ति को हम कर्मकार मानेंगे और कोई भी विवाद अगर उस कर्मकार से जुड़ा हुआ विवाद होगा तभी हम उसे एक औद्योगिक विवाद मानेंगे अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कर्मचारी तो है जो एम्प्लॉई तो है लेकिन वो वर्कमैन नहीं है वो कर्मकार नहीं है तो क्या ऐसे में किसी कर्मचारी के विवाद को हम औद्योगिक विवाद मानेंगे कि नहीं मानेंगे अगर हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो इनका यह मानना है इस दृष्टिकोण के मानने वालों का यह मानना है कि ऐसे में किसी भी व्यक्ति की तुलना हमेशा और हमेशा कामगार शब्द से वर्कमैन से की जानी चाहिए ऐसे में सामान्यतः तीन मत आ, 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 सामने आते हैं कि किसी भी व्यक्ति अभिव्यक्ति का तात्पर्य क्या है किसी भी व्यक्ति अभिव्यक्ति के दायरे के संबंध में कोई एक मत नहीं है यहाँ पर हमें तीन मतों को आ, देखना है तीन मत हमारे सामने हैं एक मत यह कहता है कि वह व्यक्ति कर्मकार है या नहीं है इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी भी व्यक्ति एनी पर्सन यह अभिव्यक्ति परिभाषा के अंतिम वाक्य में दिया गया है और कोई भी विवाद जो किसी भी व्यक्ति के रोजगार गैर रोजगार श्रम की शर्तों सेवा की शर्तों से संबंधित है तो ऐसे विवाद को एक औद्योगिक विवाद माना जाएगा भले ही वह व्यक्ति कर्मकार है या नहीं है अर्थात औद्योगिक विवाद के निर्धारण के समय हम यह नहीं परीक्षित करेंगे कि वह विवाद किस व्यक्ति का विवाद है वह व्यक्ति एक कर्मकार है या एक कर्मचारी है वह एक एम्प्लॉ है या वह वर्कर की परिभाषा में सम्मिलित है यहाँ पर दूसरा मत है दूसरा मत यह कहता है कि वह व्यक्ति शब्द किसी भी व्यक्ति शब्द को कर्मकार के समान समझा जाए किसी भी व्यक्ति का जो यहाँ पर परिभाषा आ, में आ, सम्मिलित किया गया है उसका तात्पर्य हमेशा और हमेशा केवल कर्मकार के संदर्भ में ही लिया जाना चाहिए मानना यह है कि औद्योगिक विधि का जो विकास हुआ है ये कर्मकारों के हितों की संरक्षा के लिए उनके उनके आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए किया गया है ऐसे में अगर हम किसी भी प्रावधान का अर्थान्वयन करते हैं निर्वचन करते हैं तो हमें हमेशा यह ध्यान में रखना होगा कि यह प्रावधान कर्मकारों के लिए बनाया गया है यह दूसरा मत यह मानता है कि कोई भी विवाद औद्योगिक विवाद तभी हो सकता है जब वह एक 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 कर्मकार के विवाद से जुड़ा हुआ है अर्थात अगर कोई विवाद किसी कर्मचारी के से जुड़ा हुआ है लेकिन वह कर्मचारी कर्मकार नहीं है वह एम्प्लॉयी वर्कमैन के डेफिनेशन में सम्मिलित नहीं किया गया है ऐसे में उसका विवाद एक औद्योगिक विवाद नहीं माना जाएगा और सामान्यतः जब यह औद्योगिक विवाद नहीं माना जाएगा तो ऐसे में औद्योगिक विधि लागू भी नहीं होगी यहाँ पर तीसरा मत भी है तीसरा मत कहता है कि संबंधित व्यक्ति को अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत कर्मगार होने की आवश्यकता नहीं है जो तीसरा मत है वो बहुत ही विस्तृत दृष्टिकोण लेकर के चल रहा है वह यह कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति अभिव्यक्ति की का, का कभी भी अर्थ यह नहीं लिया जाएगा कि वह कर्मकार होना चाहिए अर्थात अगर एक विवाद किसी भी व्यक्ति से संबंधित उद्योग में किसी भी व्यक्ति से संबंधित है तो ऐसे विवाद को हम प्रथम दृष्टया एक औद्योगिक विवाद मान सकते हैं और जैसे ही हम इसे औद्योगिक विवाद मानेंगे औद्योगिक विधि लागू हो जाएगी और उस विवाद का निपटारा औद्योगिक विधि के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा तो अब अब इस इस समस्या में कि किसी भी व्यक्ति अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है क्या इसमें केवल कर्मकार शामिल हैं या कर्मकार के अलावा अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं या केवल और केवल कर्मकार के शामिल किए जाएंगे और किसी और को नहीं शामिल किया जाएगा तो जब तक इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं ढूंढ पाएंगे तब तक हम यह डिसाइड करने या निर्णित करने की स्थिति में नहीं होंगे कि औद्योगिक विवाद क्या होता है अगर हम इस परिभाषा को देखें धारा टू के के परिभाषा को देखें तो टू के की परिभाषा में जो अभिव्यक्ति किसी भी व्यक्ति का उपयोग हुआ है यह एक विवाद विवादास्पद विषय रहा हुआ है और ऐसा है एक विवाद आ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले में असम चाह कर्मचारी संघ बनाम दिमाकुची चाय बागान के मामले में उन्नीस में उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया और उस तो उच्चतम न्यायालय को यह निर्धारित करना था कि क्या एक व्यक्ति जिसका विवाद यहाँ पर लाया गया था वह किसी भी व्यक्ति शब्द की परिधि में आता है कि नहीं अगर उस व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति शब्द की परिधि में माना जाएगा उस अभिव्यक्ति की परिधि में माना जाएगा तब वह विवाद एक औद्योगिक विवाद होगा और उस विवाद का निपटारा औद्योगिक विधि के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा इस मामले में एक चिकित्सा अधिकारी जो कि दिमाकोशी चाय बागान के द्वारा नियोजित किया गया था और बाद में उस चिकित्सा अधिकारी को उसके पद से हटा दिया गया वह एक इकलौता चिकित्सा अधिकारी था जिसे सेवा की शर्तों के अधीन रहते हुए उसका उल्लंघन करने के कारण पद से हटा दिया गया सवाल यह था कि जब मामला जब जब इस मामले को आ, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा रेफर किया गया ट्रिब्यूनल को रेफर किया गया निर्णय करने के लिए तो दिमाकुची चाय बगान का एक यह आपत्ति था कि यह विवाद एक औद्योगिक विवाद नहीं है क्योंकि जो चिकित्सा अधिकारी है वह किसी भी शब्द की परिधि में नहीं आता तो प्रश्न यह था सवाल यह था कि क्या कर्मचार चिकित्सा अधिकारी की बर्थक बर्खास्तगी को लेकर के औद्योगिक विवाद खड़ा किया जा सकता है इस मामले में हुआ यह कि बाद में उस उस दिमाकुची चाय बगान के कर्मचारियों ने कर्मगारों ने उस मामले को उठाया और उस मामले को लेकर उन्होंने नियोक्ता के समक्ष अपनी मांग प्रस्तुत की और बाद में इस मामले को संदर्भित किया गया और मामला ट्राइब्यूनल के पास पहुंचा। तो प्रश्न यहाँ पर था कि वह तो एक व्यक्तिगत मामला था और उस व्यक्तिगत मामले में एक चिकित्सा अधिकारी का हित शामिल था क्या वह चिकित्सा अधिकारी कर्मगार माना जाएगा पहला प्रश्न ये था तो जब हम कर्मगार का डेफिनेशन देखते हैं, उसकी परिभाषा को देखते हैं तो यह बहुत प्रथम दृष्टि प्रतीत होता है कि कोई भी चिकित्सा अधिकारी कर्मगार नहीं हो सकता वह एम्प्लॉय तो, तो हो सकता है लेकिन वह कर्मगार नहीं हो सकता कर, कर्मगारों द्वारा आ, उठाया गया तो मामला यह आया कि क्या इसे एक औद्योगिक विवाद माना जाएगा कोर्ट ने कहा यदि श्रमिकों का यहां पर एक समुदाय हित है या प्रत्यक्ष या पर्याप्त हित है तो ऐसे में ये एक औद्योगिक विवाद खड़ा कर सकते तो कोई भी ऐसा मामला जहाँ पर कर्मगारों का कोई सामूहिक हित कोई प्रत्यक्ष या पर्याप्त हित वहाँ पर सम्मिलित है तो ऐसे केसेस में ऐसे मामलों में अगर उस मामले को वो उठाते हैं तो वह मामला एक औद्योगिक विवाद बन सकता है उच्चतम न्यायालय इस बात से सहमत था कि कर्मगारों को किसी व्यक्तिगत कर्मचारी के किसी एक कर्मचारी के मामले को उठाने का अधिकार है लेकिन किसी एक कर्मचारी या किसी एक कर्मगार के कर्मगारों द्वारा उस मामले को उठाने के कारण वह मामला एक औद्योगिक विवाद बने यह संभव नहीं है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ पर यह स्टैब्लिश होना चाहिए यह प्रतिस्थापित होना चाहिए कि ऐसे मामलों में कर्मगारों का कोई सामुदायिक हित प्रत्यक्ष या पर्याप्त हित वहाँ पर सम्मिलित था तभी ऐसे विवाद को एक औद्योगिक विवाद माना जाएगा इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो अभिव्यक्ति किसी भी शब्द किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति है इसकी दो सीमाओं को भी निर्धारित किया यहाँ पर कोर्ट का मामला था कि कोई विवाद औद्योगिक विवाद है कि नहीं है और उसमें कौन से व्यक्ति का हित सम्मिलित है किस व्यक्ति की रोजगार गैर रोजगार सेवा की शर्तों या फिर श्रम की शर्तों का वहाँ पर उल्लेख किया गया है उससे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में कोई विवाद है या नहीं है द रियल एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट होना चाहिए अगर वास्तव में कोई विवाद एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ऐसे में उसे औद्योगिक विवाद कह पाना कठिन होगा न्यायालय ने दूसरी सीमा बताई कि विवाद के पक्षकारों का प्रत्यक्ष और पर्याप्त हित होना चाहिए जब भी कर्मगार या उनका कोई समूह किसी एक व्यक्ति के मामले को उठा रहे हैं अपने नियोक्ता के विरुद्ध और उस मामले को एक औद्योगिक विवाद का स्वरूप देना चाहते हैं तो ऐसे मामले में हमेशा और हमेशा यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसा मामला क्या कर्मगारों के प्रत्यक्ष और पर्याप्त हित को सम्मिलित करता है कि नहीं करता है अगर उनका कोई कोई पर्याप्त और प्रत्यक्ष हित सम्मिलित नहीं होगा तो ऐसे में वहाँ पर उनका जो विवाद है वह एक औद्योगिक विवाद नहीं माने। असम चाह कर्मचारी के संग में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो चिकित्सा अधिकारी का मामला है उस चिकित्सा अधिकारी के मामले में कर्मगारों का कोई भी सामूहिक हित या प्रत्यक्ष या पर्याप्त हित सम्मिलित नहीं है इसलिए इस विवाद को एक औद्योगिक विवाद नहीं माना जाएगा तो इस तरह से हम देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने यह अभिव्यक्ति किसी भी व्यक्ति का एक अर्थान्वयन करके और, और किस तरह से इसकी सीमाओं को निर्धारित करने का प्रयास किया कब कब एक विवाद औद्योगिक विवाद माना जाएगा कब एक विवाद औद्योगिक विवाद नहीं माना जाएगा इसको निर्धारित करने का प्रयास किया अब अब इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है क्या एक व्यक्तिगत विवाद औद्योगिक विवाद है व्यक्तिगत विवाद होता क्या है और किन परिस्थितियों में एक व्यक्तिगत विवाद एक औद्योगिक विवाद में परिवर्तित होता है इस प्रश्न को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर सामान्य सा प्रश्न है कि क्या किसी श्रमिक और उसके नियोक्ता के बीच के विवाद को औद्योगिक विवाद कहा जा सकता है क्या एक कर्मगार के विवाद को औद्योगिक विवाद कहा जाएगा अगर हम औद्योगिक विधि के दर्शन की बात करें तो औद्योगिक विधि का दर्शन यह कहता है कि यहाँ पर कर्मगारों के हितों की संरक्षा करनी है कर्मगारों के हितों को संरक्षित करना है यहाँ कहीं भी इस दर्शन में यह बात नहीं है कि अगर एक कर्मगार होगा तो उसके हितों की रक्षा नहीं करनी है तो अगर हम दर्शन की बात करें तो इस क्वेश्चन को हम सिरे से खारिज कर देंगे कि अगर एक कर्मगार होगा तो उसके विवाद को हम औद्योगिक विवाद नहीं मानेंगे लेकिन जब हम तकनीकी अर्थ में जाते हैं तब तो वहाँ पर थोड़ी कठिनाई होती है इस प्रश्न से भी संबंधित तीन मत हैं जिसको बाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णित किया गया और वो तीन मत ये थे कि नियोक्ता और एक श्रमिक के बीच का विवाद औद्योगिक औद्योगिक विवाद नहीं हो सकता कुछ लोगों का मानना यह है कि अगर नियोक्ता और उसके साथ केवल एक कर्मचारी के बीच में कोई विवाद है तो ऐसे विवाद को कभी भी औद्योगिक विवाद नहीं माना जाएगा इसका तात्पर्य यह हुआ कि ऐसे एक व्यक्ति को औद्योगिक विधि का लाभ नहीं मिलेगा उसके हितों का संरक्षण नहीं किया जा सकेगा दूसरा मत है वह कहता है कि जब हम औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा टू के को देखते हैं तो उसके तहत एक तिगत विवाद भी औद्योगिक विवाद हो सकता है अर्थात जो जो परिभाषा की परिधि है उस परिधि में व्यक्तिगत विवाद को भी सम्मिलित किया गया है लेकिन भारत में शुरू से ही यह एक एक समस्या रहा हुआ है जब प्राधिकरणों ने या फिर न्यायालय ने व्यक्तिगत विवाद को औद्योगिक विवाद मानने से इनकार किया है या उसमें कुछ कठिनाइयाँ पाई हैं तो सामान्यता अगर हम देखें तो सामान्य अर्थ अगर हम लेते हैं धारा टू के का तो वहाँ पर हमें यह परिलक्षित नहीं होता कि औद्योगिक विवाद में व्यक्तिगत विवाद शामिल है यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि जब हम औद्योगिक संबंध संहिता 2020 की बात करते हैं जो अभी लागू नहीं हुआ है आने वाले हाँ समय में लागू होगा उसमें जो औद्योगिक विवाद शब्द का नया परिभाषा दिया गया है उस परिभाषा में व्यक्तिगत विवाद शब्द को भी शामिल किया गया है तो अगर उस उस संहिता को लागू किया जाता है तो इस समस्या का काफ़ी हद तक निदान हो जाएगा तीसरा मत कहता है कि ट्रेड यूनियन द्वारा उठाए जाने पर ही यह एक औद्योगिक विवाद बन सकता है अर्थात कोई भी व्यक्तिगत विवाद अपने में खुद औद्योगिक विवाद नहीं है एक व्यक्तिगत विवाद को औद्योगिक विवाद बनने के लिए तीसरे मत का यह मानना है कि जब तक इसको ट्रेड यूनियन के द्वारा प्रायोजित या फिर ट्रेड यूनियन के द्वारा समर्थित नहीं किया जाएगा तब तक यह व्यक्तिगत विवाद एक औद्योगिक विवाद नहीं बनेगा तो यहाँ पर तीन मत हैं और इन तीनों मतों के आलोक में हमें यह निर्धारित करना है कि कब एक व्यक्तिगत विवाद औद्योगिक विवाद का रूप लेता है कब एक व्यक्तिगत विवाद औद्योगिक विवाद माना जाएगा और उस व्यक्तिगत विवाद का निपटारा औद्योगिक विधि के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा यह मामला पहली बार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सेंट्रल प्रोविंस सर्विसेज लिमिटेड बनाम रघुनाथ पटवर्धन के मामले में आया 1957 का यह मामला था और उस मामले में कोर्ट के समक्ष यह प्रश्न आया कि क्या एक व्यक्तिगत विवाद औद्योगिक विवाद है या नहीं न्यायालय ने कहा कि नियोक्ता और एक कर्मचारी के बीच विवाद को कवर करने के लिए सम्मिलित करने के लिए धारा टू के बहुत व्यापक है और इसके लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं कोई और अर्थान्वयन करने की आवश्यकता नहीं है धारा टू के पर्याप्त है उसका जो जो व्यापक उसका जो क्षेत्र है उसमें एक एक व्यक्तिगत विवाद सम्मिलित है लेकिन यह मामला इतना आसान नहीं है इस मामले में समय समय के साथ आ, आ, बहुत कठिनाइयां आई हुई हैं और ये कठिनाइयां न्यायालय के समक्ष भी आई हुई हैं कि कब एक मामले को आ, एक एक व्यक्तिगत विवाद को औद्योगिक विवाद माना जाए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला आया बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बनाम द हिंदू के मामले में उन्नीस में इस मामले में एक कर्मचारी का विवाद था द हिंदू के साथ एक कर्मचारी का विवाद था उसके एक कर्मचारी का विवाद था जिसको द हिंदू ने अपनी सेवा से निवृत्त कर दिया था और आगे चल कर के उस एक कर्मचारी के विवाद को बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एक ट्रेड यूनियन था उसके द्वारा उस मामले को उठाया गया एक व्यक्तिगत विवाद एक कर्मचारी का विवाद था जिसे बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के द्वारा उठाया गया और तथ्य यह कहता है कि बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट किसी एक प्रतिष्ठान के कर्मचारियों का यूनियन नहीं था बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट द हिंदू कंपनी के कर्मचारियों का उनके कर्मगारों का एक ट्रेड यूनियन नहीं था और साथ ही साथ यह भी एक तथ्य है कि द हिंदू कंपनी का कोई भी कर्मगार उस ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं था अर्थात इस मामले में बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने एक ऐसे मामले को औद्योगिक विवाद के लिए उठाया जहाँ पर वह कर्मगार जिसका विवाद था वह उस बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का एक मेंबर नहीं था यहाँ तक कि द हिंदू कंपनी का एक भी कर्मगार उस ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं था तब यहां पर एक एक दूसरा प्रश्न प्रश्न उठा कि ठीक है अगर कोई व्यक्तिगत विवाद है और उसको ट्रेड यूनियन के द्वारा प्रायोजित किया जाता है ट्रेड यूनियन के द्वारा समर्थित किया जाता है या फिर वहाँ पर कर्मगारों का एक प्रत्यक्ष और पर्याप्त हित सम्मिलित है और यह मामला कर्मगारों के समूह द्वारा उठाया जाता है तो उसको एक औद्योगिक विवाद माना जाएगा लेकिन क्या एक ऐसे ट्रेड यूनियन के द्वारा प्रायोजित विवाद प्रायोजित विवाद जो न तो उसका कोई सदस्य उस उस एम्प्लॉयर का कर्मगार है और ना तो वह व्यक्ति जिसका वो मामला उठा रहा है उसका सदस्य है क्या यह एक उचित व्यवस्था होगी एक उचित दृष्टिकोण होगा इस मामले में शुरुआत में लेबर ट्राइब्यूनल ने यह निर्णय दिया कि विवाद केवल एक व्यक्तिगत विवाद था उस विवाद को हम औद्योगिक विवाद नहीं मानेंगे और यहाँ पर आ, इस 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 निर्णय के पृष्ठभूमि में जो जो कारण बताया गया वो तो कारण यह था कि जो ट्रेड यूनियन था वह ट्रेड यूनियन उसका एक भी सदस्य द हिंदू कंपनी का कर्मगार नहीं था अर्थात यहाँ पर उस पर्टिकुलर मामले में उस व्यक्तिगत मामले में उस द हिंदू कंपनी के कर्मगारों का या फिर आ, कर्मगारों के समूह का कोई प्रत्यक्ष और पर्याप्त हित सम्मिलित नहीं था जब मामला अपील में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक औद्योगिक विवाद होने के लिए इसे द हिंदू कर्मचारियों के संघ द्वारा या कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या द्वारा उठाया जाना चाहिए यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की अगर हम इस बात पर ध्यान दें तो तो अगर कोई व्यक्तिगत विवाद है और उस विवाद को उस उद्योग के कर्मगारों द्वारा उस उद्योग के कर्मगारों के समूह द्वारा उठाया जाता है और उस व्यक्तिगत मामले में उस पूरे कर्मगारों के समूह का पर्याप्त और प्रत्यक्ष हित सम्मिलित है तो ऐसे में इसे औद्योगिक विवाद कहना आसान होगा साथ ही साथ अगर एक मामला ऐसा है जिसे उस उद्योग के कर्मचारियों कर्मगारों के ट्रेड यूनियन के द्वारा उठाया गया है ट्रेड यूनियन के द्वारा उसको प्रायोजित किया गया है तो ऐसे मामले में भी यह कह पाना बहुत आसान होगा कि यहाँ कर्मगारों का कोई प्रत्यक्ष और पर्याप्त हित सम्मिलित है अगर कर्मगारों का प्रत्यक्ष और पर्याप्त हित सम्मिलित न होता तो ट्रेड यूनियन इस मामले को प्रायोजित न करता तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बनाम द हिंदू के मामले में जो विवाद था वो केवल एक व्यक्तिगत विवाद था वह एक औद्योगिक विवाद नहीं था उचित प्रतीत होता है लेकिन आगे चल करके उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक नया दृष्टिकोण विकसित किया जाता है और ऐसे व्यक्तिगत विवादों को भी एक एक औद्योगिक एक, एक, विवाद माना जाता है जहाँ तक विवाद को औद्योगिक विवाद या फिर व्यक्तिगत विवाह विवाद कहने की आवश्यकता है या फिर विवाद की प्रकृति को निर्धारित करने की आवश्यकता है तो अगर हम औद्योगिक विधि के दर्शन की बात करें तो औद्योगिक विधि का दर्शन ये कहता है कि एक सशक्त और प्रभुत्व संपन्न नियोक्ता के विरुद्ध जो उसके बहुत कमज़ोर कर्मचारी या कर कर्मगार हैं उनको संरक्षण देने के लिए औद्योगिक विधि का एक एक बहुत ही व्यापक अर्थान्वयन किया जाना चाहिए तो इस दर्शन के आधार पर हमें यह कह पाने में कठिनाई महसूस हो रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय था यह कर्मगारों के हित में था क्योंकि एक कर्मगार का मामला भी एक औद्योगिक आ, आ, मामला है एक कर्मगार का विवाद भी एक औद्योगिक विवाद है और ऐसे विवाद का भी निपटारा औद्योगिक विधि के प्रावधानों के तहत ही किया जाना चाहिए लेकिन दूसरी तरफ यह भी माना जाता है कि अगर सारे विवादों को हम औद्योगिक विवाद मानेंगे और औद्योगिक विधि को अप्लाई करेंगे तो ऐसे में नियोक्ता के अगेंस्ट सामान्यतः कठिनाई पैदा की जाएगी और नियोक्ता अपने उत्पादन के उद्देश्यों पर बहुत ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा तो ऐसे में यह कहना कि एक विवाद औद्योगिक विवाद है या नहीं है एक एक बहुत ही कठिन प्रश्न है आगे उच्चतम न्यायालय ने इस प्रश्न को और स्पष्ट करने का प्रयास किया है व्यक्तिगत विवाद और औद्योगिक विवाद को लेकर के जो अगला महत्वपूर्ण निर्णय उच्चतम न्यायालय का आता है वह है धर्मपाल प्रेमचंद बनाम मेसर्स धर्मपाल प्रेमचंद और यह मामला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्नीस में निर्णित किया गया था इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस आवश्यकता में ढील दे दी कि केवल एक ही नियोक्ता के कर्मचारियों का संघ ही औद्योगिक विवाद उठा सकता है अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही उदार अर्थान्वयन किया गया और उदार अर्थान्वयन का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अब यह आवश्यक नहीं है कि कोई भी व्यक्तिगत विवाद हमेशा और हमेशा उस नियोक्ता के अधीन उस उद्योग में संगठित ट्रेड यूनियन के द्वारा ही प्रयोजित किया जाए अर्थात जो 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 निर्णय बॉम्बे जर्नलिस्ट के मामले में उच्च उच्चतम न्यायालय ने लिया था उसको खारिज करते हुए उच्चतम न्यायालय ने दोबारा उन्नीस में यह कहा कि अगर एक मामला एक व्यक्तिगत विवाद है और उसको किसी भी ट्रेड यूनियन के द्वारा उठाया जाता है तो ऐसा मामला एक औद्योगिक विवाद बनेगा अब यहाँ पर यह प्रश्न अर्थहीन हो गया इसका कोई महत्व नहीं रह गया कि उस मामले में जो ट्रेड यूनियन है वह ट्रेड यूनियन उसी उद्योग से संबंधित है और नियोक्ता के कर्म जो कर्मगार हैं उस ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं या नहीं है इसका अब कोई औचित्य नहीं है अर्थात अगर अगर हम इस इस दृष्टिकोण को देखें अगर इस निर्णय को देखें तो यह प्रतीत होता है कि एक व्यक्तिगत विवाद किसी भी ट्रेड यूनियन के द्वारा उठाया जा सकता है प्रायोजित किया जा सकता है और ऐसे मामले में वहां पर उस व्यक्तिगत विवाद को एक औद्योगिक विवाद माना जाएगा यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न मूलभूत प्रश्न सम्मिलित है वह यह है कि क्या ट्रेड यूनियन एक व्यक्तिगत विवाद को हमेशा और हमेशा प्रायोजित करने के लिए तैयार रहेगा एक ट्रेड यूनियन भी सामान्यतः उन मामलों को उन मुद्दों को उठाने में आगे आता है जिसमें कर्मगारों का सामूहिक हित है जिसमें कर्मगारों का प्रत्यक्ष या फिर अपर्याप्त हित सम्मिलित है प्रश्न यह है कि क्या एक ट्रेड यूनियन ऐसे व्यक्तिगत विवाद को भी प्रायोजित करेगा जिस विवाद का संबंध किसी और कर्मगार से नहीं है अब सामान्यतः अगर अगर हम फिर से औद्योगिक विधि के दर्शन की बात करें तो दर्शन औद्योगिक विधि का दर्शन यह कहता है कि किसी भी कर्मगार के हितों की संरक्षा की जानी चाहिए किसी एक व्यक्ति के हितों की सुरक्षा के लिए उसके संरक्षण के लिए अगर एक ट्रेड यूनियन आगे आता है और ट्रेड यूनियन उसको अपना प्रतिनिधित्व प्रदान करता है उस विवाद को प्रायोजित करता है तो ऐसे में इसमें कोई बुराई नहीं है और ऐसा किया जाना हमेशा और हमेशा औद्योगिक विधि के दर्शन के अधीन अब अब इस निर्णय के पश्चात कुछ चीज़ें जो बहुत स्पष्ट रूप से प्रतिस्थापित हुई हैं वह यह हैं कि कोई भी व्यक्तिगत विवाद अपने आप में औद्योगिक विवाद नहीं बनता है एक व्यक्तिगत विवाद एक व्यक्तिगत विवाद के रूप में ही माना जाएगा जब तक कि वह कुछ आवश्यकताओं को पूरा ना करता हो और जब तक वह व्यक्तिगत विवाद माना जाएगा तब तक, तक उस पर औद्योगिक विधि का लागू होना कठिन होगा ऐसे में जो कुछ मूलभूत बातें हैं वह यह हैं कि एक औद्योगिक विवाद होने के लिए इसका इस विवाद का किसी भी व्यक्तिगत विवाद का काफ़ी संख्या में श्रमिकों द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए सामान्य से बात है कि अगर कोई व्यक्तिगत विवाद है और उस व्यक्तिगत विवाद का का समर्थन उस उद्योग के ढेर सारे कर्मगारों के द्वारा अधिक से अधिक नंबर में कर्मगारों के द्वारा किया जा रहा है इसका मतलब वहाँ पर कर्मगारों का कोई सामूहिक हित सम्मिलित है अगर कर्मगारों का कोई सामूहिक हित सम्मिलित नहीं होगा वह केवल उस आ, 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 व्यक्तिगत कर्मगार का केवल एक कर्मगार का मामला होगा तो ऐसे में उसको अधिक से अधिक कर्मगार उस उस मामले में सम्मिलित हों उसको उठाएं यह संभव नहीं है तो यहाँ पर एक एक जो जो आवश्यकता है वह आवश्यकता यह है कि कोई भी व्यक्तिगत विवाद तब औद्योगिक विवाद बनेगा जब उसको अधिक से अधिक संख्या में कर्मगारों द्वारा उसे समर्थन प्राप्त और दूसरा यहाँ पर दूसरी आवश्यकता यहाँ पर है यह व्यक्तिगत विवाद किसी ट्रेड यूनियन द्वारा प्रायोजित होना चाहिए ट्रेड यूनियन द्वारा प्रायोजित होने का तात्पर्य है कि कोई ट्रेड यूनियन है अब वो ट्रेड यूनियन आगे आता है उस व्यक्तिगत मामले को उठाता है उसके संदर्भित किए जाने के लिए प्रयास करता है और एक तरह से उस उस व्यक्तिगत कर्मगार को जो उसके साथ अन्याय हुआ है उसके उस उस अन्याय की लड़ाई में उसको तो न्याय दिलाने के लिए खड़ा है और और उसे न्याय दिलाने का पूरा प्रयास कर रहा है प्रायोजित कर रहा है तो ऐसे ऐसे संदर्भ में इन दो आवश्यकताओं का पूरा होना अपने आप में एक व्यक्तिगत विवाद को औद्योगिक विवाद में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त अब यह यहाँ पर जो एक, एक प्रतिबंध था कि ऐसा प्रायोजित किया जाना केवल और केवल उस ट्रेड यूनियन के द्वारा होना चाहिए जो ट्रेड यूनियन उस उद्योग से संबंधित हो और उस उद्योग से संबंधित कर्मगार उसके मेंबर हो यह आवश्यक नहीं रह गया है तो अब अब किसी भी व्यक्तिगत विवाद में यह आसान हो गया कि वह व्यक्तिगत विवाद किसी ट्रेड यूनियन के द्वारा प्रायोजित किया जा सकता है इसके साथ ही साथ जो कठिनाइयां आ रही थी व्यक्तिगत विवाद को एक औद्योगिक विवाद मानने में या फिर व्यक्तिगत विवाद कब औद्योगिक विवाद नहीं बन पाएगा ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस की धारा दो के बाद दो ओ जोड़ा गया टू ए जोड़ा गया और उसके अनुसार कुछ व्यक्तिगत विवादों को विधि के अनुसार औद्योगिक विवाद मान लिया गया कुछ व्यक्तिगत विवादों के संदर्भ में विधि अब यह मान के चलती है कि यह विवाद औद्योगिक विवाद है अर्थात इन विवादों के संदर्भ में अब यह प्रश्न नहीं उठेगा कि यह विवाद केवल एक व्यक्तिगत विवाद है और यह व्यक्तिगत विवाद तब तक औद्योगिक विवाद नहीं बनेंगे जब तक यह काफी संख्या में कर्मगारों द्वारा समर्थित ना हो या फिर ट्रेड यूनियन द्वारा प्रायोजित ना हो तो अब अब ये दो आवश्यकताएं पूर्व की आवश्यकताएं इन संदर्भ में लागू नहीं होंगे ये मामले हैं धारा टू ए जो कि 1965 में जोड़ा गया है मूलतः प्रावधान औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस में नहीं था यह प्रावधान इस अधिनियम में 1965 में जोड़ा गया और 1965 तक ही यह विवाद बना हुआ था कि कब एक व्यक्तिगत विवाद औद्योगिक विवाद होगा कब एक व्यक्तिगत विवाद औद्योगिक विवाद नहीं होगा और और वहाँ पर उच्चतम न्यायालय का ढेर सारे निर्णयों में अलग अलग मत 1965 में जब यह धारा औद्योगिक विवाद अधिनियम में जोड़ा गया तब तो उसने यह प्रावधान बनाया कि व्यक्तिगत विवादों को औद्योगिक विवाद माना जाएगा यदि नियोक्ता किसी एक कर्मगार को नौकरी से हटा देता है बर्खास्त कर देता है छटनी कर देता है या सेवा समाप्त कर देता है जब भी कोई नियोक्ता किसी एक कर्मकार किसी एक कर्मगार को बर्खास्त करता है उसे उसकी छटनी कर देता है उसे हटा देता है या फिर उसी उसकी सेवा समाप्त कर देता है तो ऐसी परिस्थिति में वह एक कर्मगार का मामला स्वतः ही एक औद्योगिक विवाद माना जाएगा और औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत उस विवाद का निपटारा किया जाएगा अब इस इस प्रावधान के आने से एक व्यक्तिगत कर्मगार के लिए यह आसान हो गया कि अगर उसे किसी मामले में हटा दिया जाता है उसके नियोजन से हटा दिया जाता है बर्खास्त कर दिया जाता है या तो उसकी छटनी कर दी जाती है या फिर उसका सेवा समाप्त कर दिया जाता है तो ऐसे में अब उसे किसी ट्रेड यूनियन के पास जाने की आवश्यकता नहीं है उसे किसी कर्मगारों के समूह के पास जाने की आवश्यकता नहीं है उसे किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं है उसे किसी ट्रेड यूनियन के द्वारा प्रायोजित किए जाने की आवश्यकता नहीं है ऐसा एक विवाद स्वतः में औद्योगिक विवाद बन जाएगा और और संभवतः ये जो प्रावधान जोड़ा गया यह प्रावधान व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए एक एक, एक कर्मगार को ध्यान में रख के किया गया है उसके हितों के संरक्षण के लिए किया गया है इसके साथ ही साथ यह धारा यह भी उपबंध करता है कि कर्मगार और नियोक्ता के बीच विवाद या मतभेद ऐसी कार्यमुक्ति, बर्खास्तगी छटनी या समाप्ति से जुड़ा या उत्पन्न होना चाहिए अगर हम इस 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 प्रावधान को अगर थोड़ा सा दूसरे अर्थों में देखना चाहें तो यह प्रावधान व्यक्तिगत विवाद को सामूहिक विवाद तो मानता है इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन केवल चार परिस्थितियां हैं जब एक व्यक्तिगत विवाद सामूहिक विवाद विधि के अंतर्गत माना जाएगा अन्य परिस्थितियों में जो पूर्व की संकल्पना विकसित हुई है जहां पर उस व्यक्तिगत विवाद का कर्मगारों के समूह द्वारा समर्थित या फिर ट्रेड यूनियन द्वारा प्रायोजित होना चाहिए वही संकल्पना वहाँ पर लागू होगी जैसा इस धारा टू ए में दिखा आ, लिखा गया है कि यह मामला केवल और केवल किसी एक कर्मगार के हटा दिए जाने से उसे बर्खास्त कर दिए जाने से उसकी छटनी कर दिए जाने से या फिर उसका सेवा समाप्त कर दिए जाने से संबंधित है अर्थात वह व्यक्तिगत विवाद जो केवल और केवल सेवा समाप्त करने से बर्खास्त करने से छटनी करने से या हटा देने से उत्पन्न होता है ऐसे ही व्यक्तिगत विवादों को एक औद्योगिक विवाद लॉ के अंतर्गत विधि के अंतर्गत माना जाएगा अन्य विवाद औद्योगिक विवाद होंगे नहीं होंगे यह हर मामले में निर्णय नेड़, निर्णित किया जाएगा प्राधिकारियों के द्वारा इसके साथ ही साथ आ, यह भी महत्वपूर्ण हो गया है धारा टू ए के आने के बाद कि इस तथ्य के बावजूद कि भी कोई अन्य श्रमिक या संघ इस विवाद में पक्षकार हैं या नहीं है कोई माने नहीं रखता है यह विवाद केवल और केवल इकलौता विवाद है केवल एक विवाद है जो उस व्यक्ति का विवाद है यह पर्याप्त है इसको औद्योगिक विवाद करने के लिए इस विवाद में कोई आ, आ, ट्रेड यूनियन सम्मिलित है या नहीं इसमें कोई कर्मगारों का समूह सम्मिलित है या नहीं है इससे कोई असर नहीं पड़ेगा इसको एक औद्योगिक विवाद माना जाएगा इसके साथ ही साथ इस धारा में 2010 में फिर संशोधन किए गए और कुछ प्रावधानों को जोड़ा गया है अगर हम इस प्रावधानों को ध्यान में रखें तो तो यह प्रतीत होता है कि राज्य का हस्तक्षेप यहाँ पर व्यक्तिगत हितों के संरक्षा के लिए या फिर एक कर्मगार के हितों की सुरक्षा के लिए किया गया है 2010 में यह प्रावधान किया गया पहले यह प्रावधान नहीं था श्रम एवं औद्योगिक विधि में जो भी प्राधिकारी हैं वह कोई लेबर कोर्ट हो लेबर ट्रिब्यूनल हो ऐसे केसेस में कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली मामला अपना लेके नहीं जा सकता उस मामले को सरकार के द्वारा संदर्भित किया जाना आवश्यक है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे लेकिन 2010 में इस धारा में परिवर्तन किया गया इसमें इसमें अमेंडमेंट किया गया और यह प्रावधान किया गया कि ऐसा कर्मकार जो एक इकलौता कर्मकार है जिसका अपना केवल अकेले का मामला है जिसमें और किसी का मामला सम्मिलित नहीं है ऐसा कर्मकार विवाद के निपटारे के लिए सीधे श्रम न्यायालय या फिर न्यायाधिकरण में आवेदन कर सकता है अर्थात यहाँ पर दो चीजें बहुत स्पष्ट रूप से स्थापित हो जा रही हैं एक कि अगर किसी एक व्यक्तिगत कर्मगार का मामला है एक व्यक्तिगत कर्मचारी का मामला है और वह मामला उसके नियोजन से हटा दिए जाने बर्खास्त कर दिए जाने छटनी कर दिए जाने और सेवा से समाप्त कर दिए जाने से संबंधित है तो ऐसे मामले में लॉ उस विवाद को उस व्यक्तिगत विवाद को एक औद्योगिक विवाद मानता है और साथ ही साथ 2010 के संशोधन के बाद पश्चात विधि यह भी उपबंध करता है कि ऐसे मामले में वह कर्मकार प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रूप से श्रम न्यायालय या फिर न्यायाधिकरण में आवेदन कर सकता है अर्थात यहाँ पर उस कर्मगार को आ, आ, सरकार से आ, रेफरल लेने की भी आवश्यकता नहीं है उसे मामले को संदर्भित किए जाने की भी आवश्यकता नहीं है शायद यह उपबंध एक टेंडेंसी की नियोक्ता का यह प्रयास रहता है कि अधिकतम विवादों को एक व्यक्तिगत विवाद का रूप दे दिया जाए जिससे ये औद्योगिक विवाद न बन पाए और उस पर श्रम एवं औद्योगिक विधि लागू न हो पाए इस इस प्रवृत्ति से रोकने के लिए या उससे बचने के लिए किया गया है इसके साथ ही साथ अगर एक कर्मगार का मामला है और ऐसा कर्मगार अपने मामले में सुलह के लिए आवेदन करता है तो शुद्ध के लिए आवेदन करने की तारीख से 45 दिन के अंदर 45 दिन की समाप्ति के बाद वो डायरेक्टली श्रम न्यायालय या फिर न्यायाधिकरण न्यायालय में आवेदन कर सकता है अगर एक ऐसा कर्मकार शुरुआत में सुलह कराने के लिए आवेदन करता है और उसके आवेदन पर अगले 45 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं होती है तब उसके पश्चात वो मामले को सीधे श्रम न्यायालय या फिर न्यायाधिकरण में लेके जा सकता है इसके साथ ही साथ श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण के पास विवाद पर निर्णय लेने की शक्तियाँ और अधिकार होंगे सामान्यतः तो यह देखा जाता है कि श्रम न्यायालय और न्यायाधिकरण को केवल उन मामलों में निर्णय लेने का अधिकार होता है जिन मामलों को सरकार ने उसे संदर्भित किया है तो अगर हमारा उपबंध यह कहता है लॉ का उपबंध यह कहता है कि केवल ऐसे मामलों में ही उनको क्षेत्राधिकार होगा तब यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि अगर एक कर्मकार अपने व्यक्तिगत मामले को लेकर के जाता है श्रम न्यायालय और प्राधिकरण के पास तो क्या ऐसा श्रम न्यायालय और प्राधिकरण उसके पास उस मामले को निपटारा करने का क्षेत्राधिकार है तो 2000 ये ये भी समस्या आ रही थी ढेर सारे वाद में नियोक्ताओं ने इस पक्ष को भी उठाया तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 2010 में संशोधन के द्वारा यह उपबंध कर दिया गया कि ऐसे मामले में श्रम न्यायालय और न्यायाधिकरण को क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ होंगी इस पर कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा इसके साथ ही साथ आ, यह भी उपबंध किया गया कि सेवा से हटाने के मामले में छटनी के मामले में बर्खास्तगी के मामले में या सेवा समाप्त किए जाने के मामले में एक कर्मकार जिसका उस व्यक्तिगत मामला है ऐसे मामले में वह उस घटना के तीन वर्ष के अंदर श्रम न्यायालय या फिर प्राधिकरण को आ, अप्रोच कर सकता है और अपना मामला लेकर के वहाँ पर जा सकता है तो यहाँ पर एक तीन साल का जो लिमिटेशन पीरियड दिया गया है एक परिसीमा दी गई है ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है तीन साल की परिसीमा एक एक बहुत ही विस्तृत परिसीमा है एक व्यक्तिगत कर्मगार तीन साल के भीतर अपना मामला लेकर के श्रम न्यायालय फिर औद्योगिक न्यायालय के पास जा सकता है इसके साथ ही साथ अगर हम जो जो वर्तमान में चेंजेज प्रस्तावित हैं अगर उस पर हम ध्यान दें जो संशोधन होने वाले हैं या हो रहे हैं उसमें औद्योगिक संबंध संहिता 2020 की धारा दो क्यू हमारे लिए महत्वपूर्ण है और दो क्यू जो कि औद्योगिक विवाह शब्द को परिभाषित करता है इसका जो लास्ट अंतिम जो वाक्य है उस अंतिम वाक्य में उसने व्यक्तिगत विवाद को भी रखा हुआ है तो जो कठिनाई पहले हमको व्यक्तिगत विवाद को औद्योगिक विवाद निर्धारित करने में हुआ करती थी संभवतः वह कठिनाई अब दूर हो जाएगी क्योंकि अब इस नए परिभाषा में एक व्यक्तिगत विवाद को औद्योगिक विवाद में सम्मिलित किया गया है इस नई परिभाषा के अनुसार इस नई परिभाषा में किसी व्यक्तिगत कर्मचारी और नियोक्ता के बीच ऐसे कर्मचारी की बर्खास्तगी ऐसे कर्मचारी की छटनी या फिर बर्खास्तगी और छटनी से संबंधित होने वाला कोई भी विवाद या मतभेद जो कि व्यक्तिगत प्रकृति का है औद्योगिक विवाद माना जाएगा और उसको एक औद्योगिक विवाद मानते हुए औद्योगिक विवाद अधिनियम में दिए औद्योगिक विवाद जो जो उसके निपटारे के लिए जो प्रोविजन दिए गए हैं उसको हम उपयोग में लाएंगे और उस विवाद का निपटारा करेंगे इसके पश्चात हम आते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और और बहुत ही कठिन प्रश्न पर और वह प्रश्न है उद्योग उद्योग का परिभाषा क्या है इसका अर्थ क्या है इसकी परिभाषा क्या है अगर जब भी एक औद्योगिक विवाद उत्पन्न होता है अगर तीन प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाता है तो कर्मकारों के लिए कर्मचारियों के लिए आसान होगा कि वह अपने हितों की सुरक्षा कर पाए एक अगर यह स्थापित हो जाए कि यह विवाद एक औद्योगिक विवाद है और दूसरा यह स्थापित हो जाए कि यह विवाद किसी उद्योग से संबंधित विवाद है क्योंकि औद्योगिक विवाद होने के लिए विवाद का किसी उद्योग से संबंधित होना आवश्यक है और तीसरा वह व्यक्तिगत विवाद जहाँ पर व्यक्तिगत विवाद को औद्योगिक विवाद माना गया है वहाँ उसकी परिधि में है और जहाँ उसको व्यक्तिगत विवाद को औद्योगिक विवाद की परिधि में नहीं माना गया है वहाँ वह और आवश्यकताओं को जो कि कर्मचारियों के समूह द्वारा समर्थन या ट्रेड यूनियन द्वारा प्रायोजित होना होना है पूरा करता है अगर ये प्रश्न इन प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाता है तो वहाँ पर ये स्टैब्लिश हो जाता है या प्रतिस्थापित हो जाता है कि एक औद्योगिक विवाद अस्तित्व में है होता यह है कि किसी भी औद्योगिक विवाद में जो नियोक्ता है उसका हमेशा और हमेशा यह प्रयास रहता है कि वह यह साबित करने का प्रयास करता है कि एक विवाद औद्योगिक विवाद नहीं है या फिर जो उसकी प्रतिस्थापना है जो उसका स्टैब्लिशमेंट है वह उद्योग नहीं है ऐसे में वह श्रम एवं औद्योगिक विधियों के लागू होने से बचने के लिए हमेशा और हमेशा ऐसी चीज़ों को एक अपने हथकंडे के रूप में लेता है और वहाँ पर कर्मगारों के लिए एक समस्या और ऐसा ही एक एक समस्या का प्रश्न है उद्योग की परिभाषा उद्योग किसे कहते हैं उद्योग की परिभाषा क्या है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा टू जे में उद्योग शब्द को परिभाषित किया गया है और अगर देखा जाए तो उद्योग शब्द को दो दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया एक दृष्टिकोण नियोक्ता का और एक दृष्टिकोण वहां पर कर्मचारी का उद्योग का अर्थ है नियोक्ताओं का व्यवसाय व्यापार उपक्रम निर्माण या व्यवसाय तो नियोक्ताओं के द्वारा आ, किया जाने वाला कोई भी व्यवसाय कोई भी व्यापार कोई भी उपक्रम कोई भी निर्माण या कोई भी व्यवसाय इसमें सम्मिलित है यहाँ पर जो उपक्रम शब्द है ये बहुत ही व्यापक है अंडरटेकिंग उपक्रम शब्द व्यापक है और व्यापक होने के कारण किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला कोई भी कार्य जो उपक्रम की श्रेणी में आता है उसको हम उद्योग की श्रेणी में लाएंगे और वहाँ पर औद्योगिक विधि लागू हो जाएगी इस परिभाषा का जो दूसरा भाग है दूसरा भाग श्रमिकों आ, श्रमिकों के किसी व्यवसाय इनकी सेवा इनके रोजगार हस्तशिल्प या औद्योगिक व्यवसाय या व्यवसाय को शामिल करता है तो यहाँ पर इसमें श्रमिकों का कोई व्यवसाय सेवा रोजगार हस्तशिल्प या औद्योगिक व्यवसाय या अन्य व्यवसाय शामिल हैं तो इस परिभाषा में जैसा मैंने कहा कि दो भाग हैं पहले भाग में यह परिभाषा नियोक्ता के पक्ष को प्रस्तुत करता है और दूसरी भाग में यह परिभाषा कर्मचारी के पक्ष को प्रस्तुत करता है और और सर्वप्रथम यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया था डीएन बनर्जी बैनर्जी बनाम पीआर मुखर्जी के मामले में उन्नीस उद्योग शब्द की जो परिभाषा है उसका एक अर्थान्वयन करे और उसकी सीमा को निर्धारित करने का प्रयास करे ठीक है सर्वोच्च न्यायालय ने आधुनिक सामाजिक आर्थिक संरचना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उद्योग के अर्थ को विस्तार प्रदान किया सामाजिक आर्थिक संरचना बदलते परिवेश में सामाजिक आर्थिक संरचना बदल रही है और ऐसे में ढेर सारी जो एस्टेब्लिशमेंट हैं उनको अगर हम उद्योग की परिभाषा में नहीं रखेंगे तो वहाँ पर हम औद्योगिक विधि को लागू नहीं कर पाएंगे तो अगर अगर किसी 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 स्टैब्लिशमेंट को किसी उपक्रम को उद्योग माना जाता है तो वहाँ पर औद्योगिक विधि लागू होगा और अगर अगर उसे उद्योग नहीं माना जाता है तब तो वहाँ पर वहाँ औद्योगिक विधि लागू नहीं होगा तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन से उपक्रम उद्योग हैं और कौन से उपक्रम उद्योग नहीं हैं अगर आप किसी उपक्रम उपक्रम को उद्योग मानेंगे तो वहां पर औद्योगिक विधि लागू होगा और अगर आप किसी उपक्रम को आ, उद्योग नहीं मानेंगे तो वहां पर औद्योगिक विधि का लागू होना मुश्किल होगा अर्थात ऐसे परिस्थितियों में जो कर्मचारी और कर्मगार हैं उनको आप औद्योगिक विधि का लाभ नहीं दे पाएंगे यह मामला बहुत ही पेचीदा है और इस पेचीदे मामले को बहुत ही सूझबूझ के साथ उच्चतम न्यायालय ने बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाम ए रजप्पा के मामले में 1978 में निर्णित किया इस मामले में न्यायमूर्ति कृष्णा अयर ने उद्योग शब्द के दायरे के निर्धारण के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रतिस्थापना की यह ट्रिपल टेस्ट अपने में बहुत महत्वपूर्ण है और इसी ट्रिपल टेस्ट के आधार पर यह तृतीय परीक्षण के आधार पर यह निर्धारित किया जा सकता है कि कौन सा उपक्रम उद्योग है और कौन सा उपक्रम उद्योग नहीं है इन्होंने तीन आ, बातें की पहला कि उद्योग होने के लिए व्यवस्थित गतिविधि का होना आवश्यक सिस्टमेटिक एक्टिविटीज़ का होना आवश्यक है हम सभी जानते हैं कि जब उद्योग में उत्पादन होता है तो वो उत्पादन एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी एक व्यवस्थित गतिविधि का परिणाम है अगर वहाँ पर व्यवस्थित गतिविधि ना हो तो उत्पादन सुनिश्चित नहीं हो पाएगा दूसरा है नियोक्ता और कर्मचारी के बीच सहयोग हम सभी जानते हैं कि उद्योग स्थापित करने का उद्योग उद्देश्य उत्पादन है और वह उत्पादन तब संभव हो पाएगा जब नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में सहयोग होगा तो ऐसा कोई उद्योग उद्योग आप नहीं सोच सकते हैं जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता के बीच में सहयोग ना हो इनका सहयोग होना बहुत ही आवश्यक है इनके बीच सहयोग होना बहुत ही आवश्यक है इसके बाद वस्तुओं के उत्पादन और सेवा प्रदान करने के लिए होना चाहिए ये जो भी सहयोग हो रहा है यह सहयोग वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं के प्रदान किए जाने के लिए किया जा रहा है तो ये तीन परीक्षण के टेस्ट तीन टेस्ट हैं जिसके आधार पर आप किसी भी उपक्रम को उद्योग कह सकते हैं उद्योग नहीं कह सकते हैं अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या एक उपक्रम अगर लाभ के उद्देश्य के लिए स्थापित किया जाएगा तभी वह उद्योग माना जाएगा कोर्ट ने न्यायालय ने ऐसे लाभ के उद्देश्य को अप्रासंगिक माना लाभ का उद्देश्य है या नहीं है इसका कोई इसकी कोई इसकी प्रासंगिकता नहीं है और एक उद्योग को एक उपक्रम को उद्योग माना जाएगा इसके साथ ही साथ अगर एक उपक्रम केवल और केवल परोपकार को बढ़ावा देने के लिए किया स्थापित किया गया है तो क्या ऐसे उपक्रम को क्या ऐसे उपक्रम को एक एक उद्योग माना जाएगा ये नहीं माना जाएगा न्यायालय ने यहाँ भी कहा कि केवल इस कारण की उस उपक्रम का उद्देश्य केवल परोपकार को बढ़ाना है हम यह नहीं कह सकते कि यह उद्योग नहीं है अगर हम देखें तो जो औद्योगिक संबंध संहिता 2020 है जिसकी धारा 2 पी में उद्योग शब्द को फिर से परिभाषित किया गया है तो इस नई परिभाषा में जो अभी लागू नहीं हुआ है आने वाले समय में लागू होने की उम्मीद है इस नई परिभाषा में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की सभी आवश्यक बातों को सम्मिलित करते हुए उसी ट्रिपल टेस्ट को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है सारांश के रूप में हम देखते हैं कि हमने इस इस व्याख्यान में औद्योगिक विवादों की उत्पत्ति को समझा और औद्योगिक विवादों की उत्पत्ति पर जो किसी भी व्यक्ति अभिव्यक्ति का अर्थान्वयन है उस पर न्यायालय का क्या दृष्टिकोण रहा हुआ है साथ ही साथ व्यक्तिगत विवाद और औद्योगिक विवाद के बीच क्या अंतर है कब एक व्यक्तिगत विवाद औद्योगिक विवाद बन सकता है और कब एक व्यक्तिगत विवाद औद्योगिक विवाद नहीं बन सकता है इसके साथ ही साथ व्यक्तिगत विवादों पर वैधानिक प्रावधान क्या है और कैसे इसमें उन्नीस में और 2010 में परिवर्तन आता है साथ ही साथ हमने उद्योग शब्द की परिभाषा को समझने का प्रयास किया और कैसे न्यायालय के द्वारा एक टेस्ट डाउन किया गया है जिसके आधार पर हम किसी उपक्रम को उद्योग की श्रेणी में लाने और न लाने का प्रयास कर सकते हैं इसके साथ ही साथ हमने उद्योग शब्द के अर्थ एवं परिभाषा को जानने के लिए न्यायालय के दृष्टिकोण को समझा और साथ ही साथ औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अंतर्गत उद्योग शब्द की एक व्यापक परिभाषा की भी चर्चा की है अगर आने वाले समय में इस इस संहिता को लागू कर दिया जाता है तो उद्योग शब्द का एक व्यापक परिभाषा होगा और कठिनाई दूर हो जाएगी धन्यवाद